देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठते ही मम्मी ने मछलियों के लिए आटा मार के रख लिया है। ये आटा आपको पता ही होगा, आटा नहीं है, मैदा है। अब इसमें अजवाइन डाल के ये सेट कर दिया है। और इधर हमारी मछली बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड सॉफ्ट। ये तो आप सबके घर पे बनती है, इसलिए आप सबको पता होगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाय के साथ तो और अच्छी लगती है। अभी और रेसिपी देखते हैं, अब क्या क्या बनाना है। मछली तो हमारी अच्छे से बन के बहुत सारी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाते हैं कुछ स्पेशल। सूजी वाले वो नहीं बने, वो ख़राब हो गए थे। और ये देखो, ये जो सेव बने हैं बेसन वाले, कितने अच्छे बने हैं। मतलब बहुत जालीदार बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची। और इधर ही फ्राई हो रहे हैं, ये भी कितने टेस्टी हमें लग रहे हैं। तो अभी निकल के आएंगे, ना पलटा है। ये है सेव वाली नमकीन, ये मीठी भी होती है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। इसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है और फिर इसमें जो मसाले आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। देसी घी में रोस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें आपको डालना है चाट मसाला और जो पिसी हुई चीनी होती है वो ज़रूर डालें, उससे बहुत यम्मी टेस्ट आता है। एक बार ट्राई ज़रूर करें। फिर हमें इसके ऊपर सेव डाल देने हैं और उन्हें अच्छे से क्रंच कर देना है। और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी सी मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स तो उतना अच्छा टेस्ट। एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप चाहें तो इसमें मखाने भी डाल सकते हैं। मखाने अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे इसलिए मखाने नहीं डाले, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। इसमें जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना और अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, इधर आ चुके हैं। ये एक शॉप है, यस, ये एक शॉप है जो कि साइकिल पे लेके घूमते हैं। ये इसमें हर चीज़, मतलब इस ठेले पे आपको हर चीज़ मिलने वाली है, किसी भी ड्राई फ्रूट से लेके मसाले, खिलौने, सब कुछ इनके ठेले पे मिल जाता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो गुजियों वाली क्लिप्स थी वो डिलीट हो गई, इसलिए वो नहीं लगा पाई, इसके लिए सॉरी। एंड देन इधर यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से घी में तल चुके हैं, काजू बादाम, और आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। इसमें किशमिश भी पड़ी है, पर एक किशमिश पसंद है। और ये हमारा मावा है, इसमें इलायची पड़ चुकी है। देखिए इसमें बहुत सारा घी निकलाता है, कुछ नहीं है, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना सारा घी निकलाता है इसमें से, प्योर घर पे बना हुआ था इसलिए इतना सारा घी निकला। और ये भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसे ठंडा होने का वेट करते हैं। इधर ये साइड ड्राई फ्रूट्स,